मैं तो ये कहता हूँ भी हर चीज़ की है ना, महाराज जी की वसीयत की। और महाराज जी दिसंबर 2022 में बीमार हुए हैं, वहाँ से लेके अब तक जितना भी ट्रीटमेंट चला है, डेरे का सारा, हमारी कमेटी, हमारा ट्रस्ट, सारा मैनेजमेंट ये चाहता है कि उसकी चाहे CBI जांच कराओ, चाहे हाई कोर्ट के जज से जांच करो, जो भी चीज़ कहते हैं, हमारे से कोई लेटर चाहिए, हमारे से कोई मता चाहिए, हम हर चीज़ देने के लिए तैयार हैं। और मैं ये भी आप सब लोगों के माध्यम से सारी संगत के आगे हाथ जोड़ के उनके चरणों में बेनती करता हूँ कि आप लोग डेरे में आएँ, महाराज जी का कल का प्रोग्राम है, उसके अंदर शांति बना के रखें। हम वहाँ पे कोई गद्दी पे कोई नहीं बैठ रहा है, जब तक कोई जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक ना तो मैं कोई सत्संग करूँगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल ये चीज़ कह रहा हूँ कि कोई मैं मेरी तरफ से कोई सत्संग नहीं किया जाएगा। डेरे का जो काम है वो मैनेजमेंट देखती रहेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी सारे सत्संगियों को चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखें, चाहे वो मुख्यमंत्री को लेटर लिखें, हमारे डेरे की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से रेजुलेशन डालना वो डालें। जब तक ये जांच नहीं होती, हम कोई भी इस तरह की कोई भी वो नहीं करते। कोई कल का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ महाराज जी के ज्योति ज्योत समाने के उपलक्ष्य में भंडारा है, कोई इसके ऊपर गद्दी पे नहीं बैठ रहा, कोई भी इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। महात्मा जी सात संग पूरी ये जानना चाहती है, क्योंकि आखिरी वक्त में आप वसीयत की गई है और कैसे की गई थी। देखो आप, ये आंसर मैं दूंगा, पर आप लोगों ने तो सारों ने देखी है ना, आप लोगों को कहीं लग रहा है अभी वो दबाव में हुई हुई है, महाराज जी हंस रहे हैं, बैठे हैं, अपने उनके दोस्त हैं। ये वसीयत एक दिन में तैयार नहीं हुई, ये जनवरी के अंदर महाराज जी ने उनको बुलाया है अपने खुद हाथों से। ये देखो, ये लिखी हुई, पहले हाथ से खुद लिखी है, आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो, आप इसकी जांच भी करवा सकते हो, ये महाराज जी की लिखाई है या नहीं है। पहले उन्होंने खुद अपने हाथ से ये वसीयत लिखी है, ये देखो, ये लिखाई, ये आप इनकी फ़ोटो खींच के भी, फ़ोटो कॉपी चाहिए फ़ोटो कॉपी आपको मिल जाएगी। ये उन्होंने है ना हाथ से लिखी है जी, हाथ से लिखने के बाद ये एक पेज, दो पेज, तीन, ये पेज, तारीख 1/1/2023 को, ठीक है जी, अपने हाथ से लिखी। अपने हाथ से लिखने के बाद सुमेर लाल जी, उनकी बेटी है, एक उनकी बेटी एडिशनल सेशन जज लुधियाना के अंदर है, उनको बुलाया, हमारे ट्रस्टी को बुलाया, एक सौरभ मल्होत्रा दिल्ली के एडवोकेट सत्संग है उसको बुलाया, उनको ये डायरी दी भी ये वसीयत तैयार कर दो। उसके बाद वसीयत तैयार करके लेके आए और उन्होंने सारों ने साइन की। साइन करने के बाद ये वो लड़का लेके नहीं आया, ये देखो जी 28, ये कितने जनवरी की बात थी, एक जनवरी को तो उन्होंने हाथ से लिखी। हाथ से लिखने के बाद 28 जनवरी को इन सबको बुलाया, ये कच्ची वसीयत लिख दी भी, रजिस्टर्ड करवानी बिल कोई जरूरी नहीं होती, दो गवाह आप रख सकते हो, ठीक है जी। लेकिन ये इतने टाइम बाद उजागर क्यों नहीं की, इसके भी मैं अभी आंसर देता हूँ, पहले आप ये चीज़ देखो जी, ठीक है जी। ये होगी, फिर ये रजिस्टर करवा देंगे, ये कराई 17/2/2023 को दिल्ली के अंदर, ठीक है, ये आप ये देख सकते हो, इसके नंबर वगैरह फोटो जो भी आपको चाहिए, ठीक है, इसी कॉपी चाहिए मैं कॉपी दे दूँगा आपको, ये देख लो। ये एक दिन में नहीं ये सारी प्रक्रिया हुई, इसके अंदर तीन चार जैसे 1 जनवरी को ये करी गई, फिर 28 जनवरी के आसपास ये हुई और 17 फरवरी के पास ये हुई। अगर कुछ ऐसा ज़बरदस्ती करने का कोई वो होता तो आदमी आनन फानन के अंदर 1 या 2 दिन में करता है, महाराज डेली बात करते थे, अगर कुछ ऐसी बात होती तो बता देते। अगर कोई आदमी किसी को प्रेशर में रखता है तो वो 30-25 साल तक कि आप किसी के साथ नहीं रह सकते, आपकी झूठ का पर्दाफाश कहीं ना कहीं ना बहुत जल्दी हो जाता है। माधव जी सबसे बड़ा सवाल ये भी एक अभी आप कुछ कह रहे थे उजागर क्यों नहीं, बताओ। हाँ जी, क्या बताना जी, मस्जिद सबसे पहले बताई क्यों नहीं गई, मतलब उस टाइम। अच्छा, अब आप एक बात बताओ भी, इसके अंदर डेरे के किसी आदमी का या मेरा या डेरे के मैनेजमेंट का कहाँ पे कसूर है, ये उनकी मर्जी है। वो उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उजागर करते तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरा या महाराज जी का कसूर कहाँ है। जब वीडियो सामने है, जब वसीयत सामने है, सारी चीज़ें हैं उनकी, नहीं वो हुई। एक मेरे को नई बात पता लगी है कल रात को ही, जो महाराज जी के दोस्त हैं, मेरे को पहले नहीं पता था इस बात का, महाराज जी के दोस्त हैं सुमेर लाल जी, आज शाम को वो डेरे में आ रहे हैं,
आप लोग सारे अगर उनका भी इंटरव्यू करना चाहे आप इंटरव्यू करिए। उन्होंने बताया कि महाराज जी को मैंने 2-3 बारी बोला था भी आप इसको संगत में वो कर दो, तो महाराज जी ने कहते मेरे को बोला था भी मैं तो नहीं करता तू कर दे। वो कहते मेरी भी पिछले 1.5-2 साल से तबीयत खराब रही, मैं डेरे नहीं आ सका और महाराज जी की भी खराब होगी, तो कहीं इनके क्या कारण रहा इसके ऊपर, ये महाराज जी की मर्जी है उनकी वो बात है, लेकिन इसके अंदर डेरे के मैनेजमेंट का हमारा तो कोई वो नहीं है ना। वसीयत वाली जो वीडियो थी, जो दिल्ली का लड़का था ना जी सौरभ मल्होत्रा नाम है, एडवोकेट है वो, उसने बोला था भी ये जो भी बिल तैयार करे इनकी सारी के ना वीडियो बननी चाहिए, कल को कई बार कोर्ट में कोई चैलेंज कर दे कोई और, तो ये प्रूफ के रूप में काम आ चाहिए। आप देखो आप कह सकते हैं भाई कुछ न कुछ इतना ऐसा वो नहीं होता, पर मैंने